आप भी ये सात मिस्टेक कर देते हैं तो आप भी यूट्यूब में सफल क्रिएटर नहीं बन सकते, सक्सेस नहीं बन सकते। हम यूट्यूब में क्यों आते हैं? हम लोगों का यूट्यूब में आने का मेन मकसद की अगर बात करें तो हमें पैसा कमाना होता है। अगर हम यूट्यूब से पैसा कमाना ही चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपना चैनल को ग्रो करना होता है कि हमारा चैनल पर सब्सक्राइबर आएंगे, व्यूज आएंगे, तभी ना हमें पैसा मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब नया चैनल बना लेते हैं, नया चैनल बनाने के बाद ऐसे कुछ सात मिस्टेक करते हैं, ये सात मिस्टेक के कारण जो है हम अपना चैनल को ग्रो भी नहीं कर पाता और यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही चीज बताने वाला हूँ, हम में से जो नए क्रिएटर यूट्यूब में आते हैं और यूट्यूब में आने के बाद ऐसे कौन ऐसे सात, कौन से सात मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। अगर आपने ये सात मिस्टेक से बचकर रहेंगे तो आप जो कि यूट्यूब में बहुत जल्द ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक नया क्रिएटर था एक दिन और मेरे को अभी जो है वो सारे चीज के बारे में पता चल रहा है। 2 साल 3 साल हो रहे हैं, 3 सालों में जो है कि हम लोग को ये चीज एहसास हो रहा है कि मैंने क्या क्या गलती की थी। तो मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में वही चीज बताने वाला हूँ जो हम लोग करते थे, जो नए नए क्रिएटर आने के बाद, यूट्यूब में आने के बाद नए नए क्रिएटर गलती करते हैं, वही गलती ना करें जो हम लोग किए थे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को वही चीज बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ये सात मिस्टेक को आपको अच्छे समझना, जिससे जो आपका चैनल बहुत फास्ट ग्रो करे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में अगर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का जेन्युइन कंटेंट लाते रहता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला गलती जो हम लोग करते हैं, पहला जो मिस्टेक करते हैं, चूजिंग द रॉन्ग कैटेगरी। हम लोग जो कि सबसे पहले जब यूट्यूब में आते हैं, यूट्यूब में कब आते हैं, हम देखते हैं वो बंदा यूट्यूब से 50,000 कमा रहे हैं, वो बंदा लाखों रुपया कमा रहे हैं, हम लोग उनका वीडियो देखते हैं और हम भी सोच लेते हैं कि नहीं, हमें एक यूट्यूब चैनल बनाना है और यूट्यूब से हमें पैसा कमाना है। और हम लोग जो कि सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं। गलती वो नहीं है जो कि आपने चैनल बनाया है, चैनल तो बना सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये चीज पता करना होगा, आप जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, आपको जिस कैटेगरी में आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, उस कैटेगरी में आप वीडियो बनाइए। अगर आपने वो 50,000 जो कमा रहे हैं, जो लाख रुपया कमा रहे हैं, वो कैटेगरी आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, लेकिन आपने उसको देख के उसी तरह का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तो आपका तो इंटरेस्ट नहीं है, आप जो उसमें ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, क्योंकि आपको वहां पर एनर्जी आस्ते धीरे धीरे जो कि लेस हो जाएगा और आप जो कि यूट्यूब भी छोड़ देंगे। तो सबसे बड़ी गलती जो कि आपको यूट्यूब में चैनल बनाने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा और आपको पहले ये सोचना होगा हम जो कि यूट्यूब चैनल क्यों बना रहे हैं और किस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो बनाना है, किस कैटेगरी के ऊपर हमें वीडियो बनाना है। सबसे पहले ये चीज आप सोच लीजिए और उसके बाद चैनल बनाएंगे तो आपका चैनल जो कि बहुत फास्ट ग्रो करेगा, क्योंकि आपको जिसमें नॉलेज ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है उसमें, तो आप वीडियो बनाने में एक्सपर्ट बनेंगे ही। तो आपको करने का होगा सबसे पहले आपका चैनल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगा। दो नंबर जो गलती हम लोग करते हैं, दो नंबर जो मिस्टेक करते हैं, वो है डाइवर्स कंटेंट। हम लोग जो कंटेंट को डाइवर्स कर देते हैं, हमने चैनल बनाया किसको देख के, जो 50,000 वो कमा रहे हैं, वो बंदा किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा था, टेक रिलेटेड, और हमने भी चैनल बना दिया टेक रिलेटेड, और उसमें तो हमें नॉलेज थोड़ा सा भी है नहीं, जो गलती मैंने किया था, मैंने पहले बनाया था अर्निंग रिलेटेड, फिर टेक रिलेटेड, गेमिंग रिलेटेड, ऐसे बहुत सारा चैनल पर वीडियो अपलोड किया था, जिसका कारण जो कि मेरा चैनल की हालत बहुत खराब हो गया था, अभी जो कि सुधार आ चुका है। तो आप जो कि ये गलती ना करो कि आपका मतलब जो कि टेक रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें 10 से 20 व्यूज आ रहे हैं, अब सोच लिया कि नहीं भाई इसमें तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, गेमिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करके देखते हैं, और आपने शुरू कर दिया गेमिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करना, और गेमिंग रिलेटेड में देखा जाए कि इसमें तो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, फिर जो आप उसमें वीडियो बनाते गए फिर देखा जाए इसमें भी डाउन हो गया, तो फिर से आपने क्या किया, कोई ट्रिक वगैरह लेना शुरू कर दिए, व्हाट्सएप ट्रिक हो गया, फेसबुक ट्रिक हो गया, कुछ इस तरह का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो आपका चैनल क्या हो रहा है, समझ रहे हैं कि आप अगर इस तरीके से कॉन्टेंट को डाइवर्स करेंगे तो क्या होगा, आपका चैनल पर हर तरह का जो है कि ऑडियंस आएगा। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में अगर टेक वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट करेंगे तो भी आपका चैनल नहीं चलेगा, क्योंकि आपका चैनल पर जो सब्सक्राइबर है वो डेथ चैनल सब्सक्राइबर है, क्योंकि वो सारे सब्सक्राइबर कहाँ से आए हैं, कोई तो व्हाट्सएप ट्रिक से आए हैं, कोई तो जो कि आपका गेम से आए हैं। हाँ, हो सके तो आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपका गेमिंग में भी इंटरेस्ट है, आप टेक में भी इंटरेस्ट है, तो आप गेमिंग चैनल दूसरा बना लीजिए और टेक रिलेटेड दूसरा कर लीजिए, लेकिन आप एक साथ कभी भी ना जुड़े, गेमिंग को और टेक को एक साथ कभी भी ना जुड़े, उस हो सके तो आप दो चैनल चला लीजिए, कोई बात नहीं, अगर आपके पास वो दम है कि नहीं हम दो चैनल चला सकते तो आप दो चैनल चला लीजिए, क्योंकि एक गेमिंग का एक टेक का, लेकिन आप उसको एक साथ मिक्स ना करें, नहीं तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ेंगे, बहुत बड़ा मुसीबत आएगा आपके सामने। तो आपका क्या होगा, ये गलती ना करो कि आपको कंटेंट को डाइवर्स नहीं करना है, क्योंकि अगर डाइवर्स करते हैं तो आपका चैनल पर सब्सक्राइबर रहेंगे लेकिन आपका व्यूज नहीं आने वाला है, तो आप ये दो नंबर गलती बिल्कुल ना करो। तीसरा गलती जो कि नया यूट्यूबर करते हैं, हम लोग जो कि कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपिंग कंटेंट। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा नहीं सोचते, यूट्यूब में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कौन सी वीडियो बनाएंगे, किस तरह का हम वीडियो बनाएंगे, ये सोचते सोचते हम लोग क्या करते हैं, नहीं हम किसी का वीडियो को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और उसी का वीडियो को अपलोड कर देते हैं।
मैंने अपना ही कॉपीराइट क्लेम में देखा, तो वहां पर मेरे ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियो है और बहुत सारे बंदे जो है कि मेरा फुल वीडियो को मतलब जो कि डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद अपना चैनल पर अपलोड कर दिया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पर देखिए ऐसा बहुत सारा बंदा है जो कि मेरा फुल वीडियो को डाउनलोड करके अपना चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भाई, ये सब करके कोई फायदा नहीं। किसी का दूसरों को किसी दूसरे वीडियो का कॉपी करेंगे, दूसरे का वीडियो कॉपी करेंगे और अपना चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपका तो कोई फेस वैल्यू नहीं होता है और दूसरा जो कि आपको इससे अर्निंग भी नहीं होगी, क्योंकि ये रीयूज कंटेंट हो जाता है जिससे आपका अर्निंग बिल्कुल नहीं होता है। और चार नंबर जो गलती हम लोग करते हैं, लैक कंसिस्टेंसी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नया चैनल बनाने के बाद आज एक वीडियो बना लिया और मैंने सोचा कि नहीं और वीडियो नहीं बनाएंगे, दो तीन दिन बाद हो गया, चार दिन बाद हो गया, सप्ताह हो गया, एक महीना हो गया, कुछ इस तरीके से हम लोगों का क्या होता है, टाइम बीतते जा रहा है एक वीडियो अपलोड कर दिया फिर एक महीना रुक गया, दो तीन वीडियो अपलोड कर दिया फिर एक हफ्ता रुक गए, 15 दिन रुक गए। हम लोग ये गलती सबसे ज़्यादा करते हैं। एक चैनल नया चैनल बनाने के बाद आप ये गलती तो बिल्कुल ना करो, आपको कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है। हाँ, एक बात है कि आपको डेली वीडियो अपलोड करना ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का अगर मतलब बताया जाए तो आप जो है कि डेली अपलोड नहीं कर सकते, दो दिन बाद करिए, दो दिन बाद फिर आप क्या करें वो भी नहीं कर सकते, तो हफ्ते में एक करिए, महीने में चार करिए, ये होता है कंसिस्टेंसी। तो आपको अपना कंसिस्टेंसी को बजाय रखना है, बनाए रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आज दो वीडियो अपलोड कर दिया, एक ही दिन में तीन चार वीडियो अपलोड कर दिया और एक महीना सो गए हम, ऐसा बिल्कुल ना करो, ये गलती आप बिल्कुल ना करो। और पांच नंबर जो गलती हम लोग करते हैं, लैक टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि हम लोग जो कि टाइम का मैनेज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, वीडियो बना लिया और वीडियो अपलोड कर दिया, कभी भी कोई भी टाइम जो कि हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को अपलोड करते जाते हैं। ये चीज आपको बाद में पता चल जाएगा कि आपको ये ग्राफ दिया जाता है आपका वीडियो कौन सी टाइम सबसे ज्यादा दिखा जाता है। अगर बात करें तो आप जो है कि आपको टाइम को ये सिलेक्ट करना है, आपको सुबह अपलोड करना है या फिर तो शाम को करना है या फिर आपको मतलब जो है कि आपको नाइट में करना है, रात को करना है, आपको एक टाइम सिलेक्ट करना होगा, हमें इसी टाइम में ही वीडियो अपलोड करना है, आपको इसके अलावा और दूसरा टाइम देखना ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई नया अपडेट आ गया या फिर कोई दूसरा ऐसा अर्जेंट वीडियो है तो आप वो वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अपना टाइम को बनाए रखें जिससे जो है कि आपका मतलब जो कि आपको ऑडियंस ये पता चल जाएगा इस टाइम में ये वीडियो आता है, इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है। लेकिन आपको टाइम चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी IPL की बात करें तो इस टाइम की अगर बात करें तो IPL चल रहा है, तो आप अगर नाइट को वीडियो अपलोड करते हैं, मतलब जो है कि 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे के करीब वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपका वीडियो पर व्यूज़ है कि बहुत कम आता है, क्योंकि बच्चे की अगर बात करें सब लड़का लोग जो कि IPL में बिजी रहते हैं। तो आपको करने का अगर सुबह कर देना है या फिर शाम को मतलब जो कि 6 बजे के अंदर कर देना है, तो अगर कुछ इस तरीके से अपने वीडियो को अपलोड करेंगे तो जाहिर सी बात आपका वीडियो पर व्यूज़ आ जाएंगे। और 6 नंबर जो गलती हम लोग ये कर देते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, नॉट नोइंग योर ऑडियंस। आप जिसको बारे में नहीं पता है, आपको जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो चीज़ आप ना सिखाइए। क्योंकि आपने किसी एक का वीडियो देख लिया कि भाई वो तो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ाया जाता है, तो आपके पास तो वो नॉलेज है ही नहीं, और फिर आपने क्या किया, उसका वीडियो देख के आपने अपना वीडियो बना लिया। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करो, आपको ये चीज़ पता करना होगा कि आपके पास वो नॉलेज है कि नहीं। क्योंकि आप अगर उस तरह का वीडियो बनाएंगे, अगर कोई गलत सलाह होता है तो आपका कॉमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिएगा, जो बड़े क्रिएटर उन लोगों को पता है कि कमेंट बॉक्स में इतना खराब खराब लैंग्वेज में गाली दिया जाता है, लैंग्वेज तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसको हाइड कर दिया जाता है। तो आपको ये गलती ना कर रहे कि आपको जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, जो चीज़ आपको पता नहीं है, उसके बारे में ना बताए तो भी बेटर है। हो सके तो आप जान लीजिए उसके बारे में, पूरा जाँच कर लीजिए, फिर जो है उसके बारे में आप कॉन्टेंट बना सकते, वीडियो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में जो कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और सबसे बड़ी अगर बात करें तो ये मिस्टेक, डिमोटिवेट। क्योंकि हम जब YouTube चैनल बना लेते हैं और बना लेने के बाद ये डिमोटिवेट होना एक हिस्सा है आपका सक्सेस का हिस्सा है डिमोटिवेट। क्योंकि कोई भी बंदा, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो डिमोटिवेट नहीं हुआ हो YouTube पे। क्योंकि ऐसा दिन आएगा कि आप वीडियो बनाते जाएंगे वीडियो पर व्यूज़ नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, आपका ऐसा लगेगा कभी कभी कि नहीं भाई YouTube में कुछ नहीं हो रहा है, व्यूज नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, हम शायद YouTube में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लगेगा कि नहीं हम YouTube छोड़ देते हैं। डिमोटिवेट एक हिस्सा है, अगर सक्सेस की कर बात करें, YouTube पे बोलो कहीं पर भी बोलो, डिमोटिवेट एक हिस्सा है आपका सक्सेस का। तो आपको इसको फ्रेंड बनाना होगा, डिमोटिवेट होंगे खुद से ही आपको उसको जो कि मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको ऐसा दूसरा का वीडियो देखना पड़ेगा जिससे आप मोटिवेट हो या फिर अपना दोस्त के साथ टाइम बिताना पड़ेगा। लेकिन आपको डिमोटिवेट होना, मैं आपको बता दिया डिमोटिवेट एक हिस्सा है सक्सेस का। तो डिमोटिवेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप डिमोटिवेट होते हैं तो आपको उसको ये देखना होगा हम पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, मोटिवेट कैसे हो सकते हैं। तो आप ये गलती ना करो जो कि डिमोटिवेट होंगे और डिमोटिवेट होने के बाद ही हम क्या करेंगे, YouTube छोड़ के भाग जाएंगे।
ऐसा ना करो, डिमोटिवेट सब कोई हुआ है और सब कोई हो भी रहे। मेरे की अगर बात करें तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कुछ दिन पहले कि यूट्यूब शायद मेरे बस की बात नहीं है, मैं यूट्यूब बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये डिमोटिवेट की अगर बात करें तो ये एक हिस्सा है आपका चैनल के ग्रो करने का या फिर सक्सेस पाने का, कोई भी प्लेटफॉर्म में, कोई भी प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो ये डिमोटिवेट एक हिस्सा है। तो आप ये 7 मिस्टेक ना करो जिससे जो कि आपका चैनल कभी भी ग्रो ना करे। तो अगर आपने ये 7 मिस्टेक से बच कर रहेंगे तो आपका चैनल जाहिर सी बात है ग्रो होगा और साथ साथ उससे आप अच्छा खासा अर्निंग भी कर पाएंगे, जो सोच के आपने यूट्यूब में आए थे कि हम पैसा कमाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे या फिर आपको यूजफुल लगे होंगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।